अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ मटन तंदूरी रान की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जो बहुत ही चटपटी और मज़ेदार तैयार होने वाली है, जिसको देखते ही आपके मुंह में इंशाल्लाह पानी आने वाला है। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने एक बकरे की रान ली है, जिसे हम छुरी की मदद से प्रिक कर रहे हैं। आप चाहें तो इसमें गहरे गहरे कट लगा सकते हैं, और हम ये छुरी की मदद से जो प्रिक कर रहे हैं, ये भी हम छुरी को हड्डी तक ही ले जा रहे हैं। तो अच्छी तरह से इसको हम छुरी की मदद से प्रिक कर रहे हैं, और ये हड्डी का जॉइंट है लेग का, जिसमें हमने कट लगा दिया है ताकि इसको गलने में आसानी हो जाए। और जब हम इसको मैरिनेट करके फ्रीज़र में रखेंगे या फ्रिज में रखेंगे, तो इसको रखने में भी हमें आसानी रहे। तो ये देखिए, हमने रान को अच्छे से प्रिक कर लिया था, और अब हम इसके अंदर सफ़ेद सिरका लगा रहे हैं। खूब अच्छी तरह से हमें सफ़ेद सिरका लगाना है रान की दोनों साइड पर। सफ़ेद सिरका लगाने से रान का जो मीट है वो बहुत जूसी तैयार होगा, बिल्कुल खुश्क मीट नहीं लगेगा खाने में, बल्कि जूसी मज़ेदार सा लगेगा, और मीट भी अच्छा सा टेंडर हो जाता है। इसको हम 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अब हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमने 3 टेबलस्पून दही लिया, उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक हमने ऐड किया है, और ये नमक ऐड किया है 1 टेबलस्पून। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं, बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए, 1 टीस्पून हल्दी का। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, और पिसी हुई मत डालिएगा, कुटी हुई ही डालिएगा। और ये गरम मसाला डाला हमने 1 टीस्पून पिसा हुआ। इसके साथ ही हम इसमें अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए इसमें डालेंगे टिक्का मसाला 1 टेबलस्पून। और इस सब मसाले को हम मिक्स कर लेंगे। इस मसाले को मिक्स करने के साथ साथ हम इसमें डाल देते हैं लेमन जूस। लेमन जूस तो हम भूल ही गए थे, तो लेमन जूस भी डाल देते हैं, 2 टेबलस्पून लेमन जूस। जब भी बारबेक्यू या कोई भी आप रोस्टेड मीट बना रहे हों, तो उसमें लेमन जूस ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। तो अब लेमन जूस हमने 2 टेबलस्पून डाला है, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, बहुत अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो गया है, और रान को हमने जो सिरका लगा के रखा था, उसको भी 25 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें सारा जो हमने ये आपके सामने रान का जो सॉस या मसाला जो भी कह लें, ये हमने तैयार किया था, वो हम अच्छी तरह से रान में लगा देंगे। और खूब अच्छी तरह से इसको मसल मसल के लगाइए, ताकि जो मसाला है खूब अच्छी तरह से रान के गोश में अंदर तक चला जाए। क्योंकि जब मसाला अंदर तक जाएगा, तो जब ही ये ज़्यादा ज़ायक़ेदार तैयार होगा। ये देखिए, हमने दूसरी तरफ से भी हम रान पे ये मसाला लगा रहे हैं, ताकि दोनों तरफ से अच्छी तरह से मसाला जो है लग जाए। और यहाँ भी हम इसी तरह मसल मसल के अंदर तक लगाने की कोशिश करेंगे मसाले को, क्योंकि जितना अंदर तक आप मसाले को लगाएंगे गोश्त के, तो ये उतना ही मज़ेदार और ज़ायकेदार तैयार होगा। खूब अच्छी तरह से लगा लें मसाले को। मसाला लगाकर हम इसको ओवरनाइट के लिए मैरिनेट होने के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ना हो, तो आप इसको 4 से 5 घंटे तो लाजमी मसाला लगाकर छोड़िएगा, क्योंकि इसके बग़ैर जो है इसमें अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। अगर आप इसमें अच्छा टेस्ट चाहते हैं, तो पूरी रात लगाकर रख दें मसाला, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा रान का। और ये देखिए, हम इसको अब रेफ्रिजरेटर में रखने जा रहे हैं, और ये देखिए, पूरा एक दिन गुजर चुका है, और अब हमने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। और ये देखिए, ज़बरदस्त सा ये दिख रहा है, टेंडर हो गया है ना गोश्त काफ़ी हद तक, क्योंकि हमने इसमें सिरका लगाया था, लीमू लगाया था, तो ये लीमू और सिरका दोनों गोश्त को टेंडर होने में मदद करते हैं। और अगर आप गोश्त में लीमू और सिरका ना लगाएं, तो फिर आप इसमें कच्चा पपीता लगा दीजिएगा। और ये है बकरे की चर्बी जो हम इसमें डाल रहे हैं, ये ऑप्शनल है, क्योंकि अगर आप इसे पसंद करते हैं तो डालिएगा, अगर आप पसंद नहीं करते तो मत डालिएगा। तो आप इसकी जगह बटर या घी भी लगा सकते हैं।
लेकिन हम बकरी की चर्बी लगा रहे हैं इसको बहुत अच्छा फ्लेवर देने के लिए। और अब हम इसको अवन में 200 डिग्री सेल्सियस पे बेक होने के लिए 1.5 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए 1.5 घंटा हो चुका है और हमने रान को अवन से बाहर निकाल लिया है और मीट कितना ज़बरदस्त सा टेंडराइज हुआ है। इस 1.5 घंटे के अंदर हम बीच बीच में रान को देखते रहे थे, तो ये देखिए ज़बरदस्त सी रान तैयार हुई, कितनी मज़ेदार जायकेदार खुशबूदार, कलर देखिए कितना अच्छा आया है इसका, और देखते ही इसको मुंह में पानी आ रहा है। आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि घर के मसालों के साथ कितनी मज़ेदार रान तैयार हुई है। तो आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। फिर इसी तरह की नई रेसिपी लेके आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।